शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा बिल है। यस सर। डू यू हैव आइसक्रीम? जी। कसाटा आइसक्रीम? तो फिर एक कसाटा आइसक्रीम ला और इस बिल में लगवा कर ला। हाँ। तुमने तो कहा था ना डाले कि तुम बिया चोपड़ा के कैंप में कई लोगों को जानते हो। मुझे भी ले चलो ना बम्बई। राखी और रेखा से तो मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। हीरोइन तो मैं तुम्हें कल बनवा दूँ, पर मेरा क्या होगा? सबसे कह रही हूँ मैं तुमसे। वेट। यस सर। अरे भाई यहाँ हलवासिया गार्डन किधर है? मुझे पता नहीं। पता नहीं? राज जी ने बम्बई से यहाँ शूटिंग के लिए भेज दिया, अब यहाँ हलवासिया गार्डन ढूंढते फिरो। उनका जाता भी क्या है, वो तो आराम से 15 दिन के बाद यहाँ आएंगे और कहेंगे कल से शूटिंग है, अभी यहाँ लोकेशन फाइनल करना है और उसके बाद 3-4 लड़के लड़कियाँ फाइनल करने। एक सर 1000 साल। आई थिंक यू गो हलवासिया गार्डन। अच्छा क्या राज कपूर आ रहे हैं? जी नहीं, राज खोसला आ रहे हैं। नई फिल्म बना रहे हैं? जय हो मैडम, पुरानी फिल्में कहाँ बनती हैं। रूप रूप यहाँ आ जाओ ना। है? ये मिस्टर रूप कुमार चोपड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम अशोक राज खोसला, प्लीज मीट यू, प्लीज सिट। आइए आप भी यहाँ तशरीफ रखें। आप राज खोसला के असिस्टेंट हैं? जी। जय हो मैडम, मैं एसोसिएट हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर। ये काम सब हमें करना पड़ता है, बड़े बड़े नाम तो सिर्फ सुनने के लिए होते हैं। क्या बॉबी देखी आपने? हाँ देखी। राज कपूर के पीछे मैं था? आप? जी? मैं तुलसी की देखी आपने? हाँ देखी है। राज खोसला के पीछे मैं था? सच? जी, ये काम सब हमें करने पड़ते हैं और ट्रॉफी वो लोग ले जाते हैं। कौन? हेलो, आइए। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, घर में बड़ा सन्नाटा लग रहा है। घर में कोई है नहीं, सब मंदिर गए हैं। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी नहीं, रहने दीजिए, ये फूल छोड़ जा रहा हूँ। बैठिए ना। जी नहीं, फिर किसी को। अच्छा चलता हूँ। जी तरह तुम्हारा निराश होना मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तक तुम जिंदगी से जूझती रही, फिर पिता के बिना भी तो तुमने अपने घर की जिम्मेदारियां संभाली है ना, और दूसरों की गलतियों की जिम्मेदार तुम थोड़े ही हो। इन सब बातों में उलझकर मुझसे कतराना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं फूल लेकर तुम्हारे घर गया था। कोई नहीं मिला, सिर्फ गीता थी। फूल छोड़ाया था, कैसे लगे? फूल तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। लव स्टोरी देखने चलती हो? सुना अमेरिका में हंगामा कर दिया उसने। हमारे पास खुद अपनी एक लव स्टोरी है, छोटी सी उदास सी। गोली मारो इंपोर्टेड लव स्टोरी को, उसमें वो उतार चढ़ाव कहा जो हमारी अपनी कहानी में है। चलो मुझे घर छोड़ दो। प्रेम प्रेम
पागल हो रही हूँ। पहली नजर में मैं तुम्हारी हो गई, मेरी जिंदगी में फिर बाहर आ गई। मैं पागल हो रही हूँ प्रेम, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो। क्या सोच रही हो? एक मामले में तुमसे राय लेना चाहती थी। भाई राय तो हम बहुत अच्छी देते हैं। तभी तो तुमसे राय लेना चाहती थी। प्रेम मैं सोच रही हूँ कि गीता का दूसरा ब्याह कर देना चाहिए। मेरी राय में तो ये बात तुमको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। और इस ब्याह को दूसरा ब्याह तो कहना नहीं चाहिए। अरे भाई ये भी कोई ब्याह हुआ? आज सुहागन कल विधवा। कोई कायदे का लड़का मिलना चाहिए ना। अब एक लड़का मिला है, गीता को तो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा? पर लड़के की मर्जी भी तो मालूम होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता मैं उससे बात करूं कैसे। तुम जानती हो उसको? बहुत अच्छी तरह। तुम भी उसे जानते हो। अरे तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। गीता जैसी लड़की तो किस्मत वालों को मिलती है। कौन है वो लड़का? तुम। क्या? अच्छा किया जो तुमने मेरे हाथ से अपना हाथ निकाल लिया। तुम पागल हो गई क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ संगीता। लेकिन गीता तुमसे प्यार करती है प्रेम। नहीं, मैं गीता से शादी करने की बात सोच भी नहीं सकता। तुम कहाँ सोच रहे हो प्रेम? तुम्हारे और गीता की शादी के बारे में तो सोच मैं रही हूँ। मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपने बारे में सोचने और फैसला करने का अधिकार भी देना पड़ेगा। मेरे कंधों पर जो बोझ है उसे उठाना भी पड़ेगा। प्रेम, या तो कह दो कि तुम्हारी मोहब्बत इतनी छोटी है कि मेरी और तुम्हारी शादी के आगे कुछ सोच ही नहीं सकती। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कर संगीता। ये जुल्म तो मैं अपने आप पर भी कर रही हूँ प्रेम। जो फूल तुम मेरे लिए छोड़ाए थे वो मुझे गीता के तके के नीचे मिले तो मैं क्या करूँ? मैं उससे बड़ी हूं ना, उसकी पसंद की हुई कोई चीज मैं अपने दिल में कैसे रख लूं? मुझसे प्यार करते हो तो ये लो कागज और ये कलम, उसे एक खत लिखो। मेरे लिए क्या लिखूं? गीता, जब से तुम्हें देखा है बीमार हुई आंखें, इलाज करोगे? नीचे अपना नाम लिखाना भूलना। मेरी चिट्ठी? हाँ तुम्हारी। गीता, जब से तुम्हें देखा है बीमार हुई आंखें, इलाज करोगी? प्रेम। बबलू, राधिका, बुआ आती होंगी, चलो पढ़ने को बैठ जाओ। Thank you.
मैंने दाल चढ़ा। अरे तू पागल हो गई है क्या? ये न कोई नहाने का समय है न तरीका, बीमार हो जाएगी तो दवा कहाँ से आएगी? गीता जब से तुम्हें देखा है बीमार हुई आंखें, इलाज करोगी प्रेम? तेरी वो आंखें डॉक्टर हो गए, 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 तेरी वो आंखें डॉक्टर हो गए। अब हकी कब से तुझे ये प्रेम रोग लगा है? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोलो ना गीता। मैं नहीं जानती माँ। बोली न बन, तू हमारी राह कटाएगी, घर की इज्जत धूल में मिलाएगी, संगीता सुन लेगी तो तेरी खाल खींच लेगी और फिर ताली कर देगी। माँ जी संगीता आ गई, तुम लोग अंदर जाओ, गीता तुम भी अंदर जाओ। क्या हुआ माँ? चलो मेरे कमरे में चलो। अरे इसकी कहाँ ले जा रही हो संगीता, कपड़े तो बदल लेने दे। पहले सफेद साड़ी उतारो। मैं कहती हूँ उतार। ये लो ये साड़ी पहन लो, आज से तुम ऐसी साड़ियां पहना करना। कैसा अनर्थ कर रही हो तुम? इसके नसीब में ये सब कुछ होता तो इसके भाग्य क्यों फूटते? मेरे जीते जी उनके माथे पर कलंक नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। बेटी जरा सोच, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया मेरी सगी नहीं है लेकिन गीता मेरी सगी बहन है। क्या दुनिया की दर से मैं अपनी बहन के बारे में सोचना छोड़ दूं? विधवा होना पत्थर की लकीर नहीं, एक दुर्घटना है, एक घाव है और उस घाव की मरहम पट्टी होनी चाहिए। मेरी गीता बहुत दिनों तक घायल रह चुकी है माँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते आनंद, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं और आपकी मदद? बोलिए। बड़े भैया को तो तुम जानते हो, भगवान उन्हें लाख बरस की उम्र दे, उनका होना ना होना तो बराबर है ना। गीता के ब्याह का दिन मेरे सर पर खड़ा है। शादी हो रही है? किससे दीदी? प्रेम से, प्रेम कुमार वर्मा। बड़े खाते पीते घर का एक लौता बेटा है, दिल का अच्छा, स्वभाव का अच्छा, बातचीत का अच्छा। गीता तो समझो बहुत नसीबों वाली है जो प्रेम से उसकी शादी हो रही है। जानते हो आनंद, लव मैरिज हो रही है। प्रेम जो उसे मेरे घर पर आया था, प्रेम ने गीता को देखा, गीता ने प्रेम को, और लव इट फर्स्ट साइट हो गया। ये लव भी बड़ी कमाल की चीज होती है। हाँ दीदी, ये बात मुझसे और आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। दीदी शादी में खर्चा वर्चा बहुत होता है ना, और मैंने तो पिछले 7-8 महीने से किराया तक नहीं दिया। मैं जरूर कुछ चक्कर चलाऊंगा दीदी। हट पागल,
तुमसे पैसों की बात कौन कर रहा है? शाम को मैं शादी की खरीदारी करने बाजार जा रही हूँ, मेरे साथ चलोगी? जरूर दीदी। मेरा बिल है। यस सर। डू यू हैव आइसक्रीम? जी। कसाटा आइसक्रीम? तो फिर एक कसाटा आइसक्रीम ला और इस बिल में लगवा कर ला। हाँ तुमने तो कहा था ना डाले कि तुम बिया चोपड़ा के कैंप में कई लोगों को जानती हो। मुझे भी ले चलो ना बम्बई। राखी और रेखा से तो मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। हीरोइन तो मैं तुम्हें कल बनवा दूँ, पर मेरा क्या होगा? सबसे कह रही हूँ मैं तुमसे। वेट। यस सर। अरे भाई यहाँ हलवासिया गार्डन किधर है? मुझे पता नहीं। पता नहीं? राज जी ने बम्बई से यहाँ शूटिंग के लिए भेज दिया, अब यहाँ हलवासिया गार्डन ढूंढते फिरो। उनका जाता भी क्या है, वो तो आराम से 15 दिन के बाद यहाँ आएंगे और कहेंगे कल से शूटिंग है, अभी यहाँ लोकेशन फाइनल करना है और उसके बाद 3-4 लड़के लड़कियाँ फाइनल करने। एक सर 1000 साल। आई थिंक यू गो हलवासिया गार्डन। अच्छा क्या राज कपूर आ रहे हैं? जी नहीं, राज खोसला आ रहे हैं। नई फिल्म बना रहे हैं? जय हो मैडम, पुरानी फिल्में कहाँ बनती हैं? रूप रूप यहाँ आ जाओ ना। है? ये मिस्टर रूप कुमार चोपड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम अशोक राज खोसला, प्लीज टू मीट यू, प्लीज सिट। आइए आप भी यहाँ तशरीफ रखें। आप राज खोसला के असिस्टेंट हैं? जी। जय हो मैडम, मैं एसोसिएट हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर। ये काम सब हमें करना पड़ता है, बड़े बड़े नाम तो सिर्फ सुनने के लिए होते हैं। क्या बॉबी देखी आपने? हाँ देखी। राज कपूर के पीछे मैं था? आप? जी? मैं तुलसी की देखी आपने? हाँ देखी है। राज खोसला के पीछे मैं था? सच? जी, ये काम सब हमें करने पड़ते हैं और ट्रॉफी लोग ले जाते हैं। आप कुछ कास्टिंग की बातें कर रही थी ना? जी कास्टिंग की बातें हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सब कुछ हमें करना पड़ता है, बड़े बड़े नाम तो सिर्फ सुनने के लिए होते, आके बोल लेंगे ओके शूटिंग। अब देखिए ना, दिल्ली आया हूँ, लोकेशन फाइनल करनी है, 3-4 लड़के फाइनल करने हैं और एक बहुत ही अच्छे किरदार के लिए एक लड़की ढूंढनी। कैसी लड़की चाहिए आपको? जी लोकल टैलेंट। डार्लिंग तुम तो इनके पीछे ही पड़ गई हो। प्लीज ऐसा मत कहिए, इट्स माय प्लेजर। अगर आप किसी अच्छी सी लड़की को जानती हो जिसमें थोड़ा बहुत भी टैलेंट हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं होटल मौर्या में ठहरा हूँ, रूम नंबर 4240। यस बिल। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ बिल तुम दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं आप लोगों का बिल मैं पे करूंगा, जाओ दुआ इसके मौर लेके आओ। गो। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, राज जी नाराज होंगे, मैं तो इसे प्रोडक्शन अकाउंट में डाल दूंगा, फॉर मी इज नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जी कुछ नहीं, होटल से निकला तो टैक्सी में लगता है मेरी जेब कट गई। बहुत पैसे थे उसमें? कुछ ज्यादा तो नहीं, 3,500-3,000 रुपए रहे होंगे। यहाँ से होटल मौर्या का टैक्सी फेयर कितना है? करीबन 20 रुपए। 20 रुपए? आप मुझे 20 रुपए देंगे? लेकिन एक शर्त है, ये उधार रहा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे शहर में आपकी जेब कटी है ना? अजय आपके शहर में कटी है, इसमें आपका क्या कसूर? इट्स रियली सैड। अरे हाँ मैं कहीं भूल ना जाऊं, आप क्यों नहीं कर लेती वो रोल? मैं? हाँ अरे बहुत बड़ा रोल तो नहीं लेकिन बहुत ही खूबसूरत रोल है, लंबू जी के साथ। लंबू जी? अमित, अमिताभ बच्चन। मैं अमिताभ बच्चन के साथ? या, उनके ऑपोजिट। आप उनसे प्रेम करती हैं, उनके प्रेम में आप अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। इट्स वेरी सेंटीमेंटल रोल, लिली का रोल है। कल सुबह आप 10:30 बजे होटल मौर्या चले आइए, मैं आपका स्क्रीन, नहीं नहीं स्क्रीन की जरूरत नहीं, मैं आपका वॉइस टेस्ट दूंगा टुमारो 10:30 शाम। प्लीज कम, ऑल द बेस्ट। अच्छा मिस्टर चोपड़ा। ओके मिस्टर खोसला, व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप मुझे 80 देकर पूरे 100 कर लीजिए, शाम को तक आ जाऊंगा। आप ये 100 रख लीजिए। हाँ, और 120 पूरे हो गए, मैं आपको ट्रैवलर चेक कैश करा के लौटा दूंगा। यू ऑल्सो कम विद हर। ओके बाय 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 ऑल द बेस्ट। बाय 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 बाय। कमाल हो गया, मैं
मैं अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग कर रही हूँ, अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग कर रही हूँ, मैं अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ